अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से रिलेटेड है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो कि बेसिकली एविडेंस को डील करता है आइदर इन सिविल केस और क्रिमिनल केसेस और इन ऑल अदर जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। एक बात मैं बताता चलूं कि एविडेंस किसी भी केस के अंदर दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज और एविडेंस के बगैर कोई भी पार्टी अपना केस प्रूव नहीं कर सकती आइदर इन क्रिमिनल और इन सिविल प्रोसीडिंग्स। सो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 133 जो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है वो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ है, देन इट इज क्रॉस एग्जामिनेशन और इन सर्टेन केसेस इट कुड बी अ री एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ की। एग्जामिनेशन इन चीफ किसी भी केस के अंदर सिंपल आप ये कह सकते हैं कि एक स्टोरी जो कि नरेट की जाती है किसी भी विटनेस की तरफ से, यानी कि दैट विल बी वन गो थिंग। लेट्स से कि इफ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट और मैं वहां पर जाकर अपने किसी भी केस का एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, देन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज वन टू एंड। मतलब ये कि जो भी चीज मैंने वहां पर पुट करनी है दैट विल बी इन वन गो। उसके अंदर किसी किस्म का कोई पॉज नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखने में ये लगना चाहिए कि दैट वॉज अनैचुरल स्टेटमेंट विच हैज कम आउट ऑफ द माउथ ऑफ द विटनेस। इसके अंदर किसी भी किस्म की क्वेश्चनिंग इन बिटवीन या कोई और चीज नहीं की जा सकती। लेट्स से कि जैसे आप एक चीज रिसाइट करते हैं, जैसे आप एक चीज पढ़ते हैं जिसके अंदर कोई पॉज या ब्रेक नहीं होता, एग्जामिनेशन इन चीफ किसी भी विटनेस की वो स्टेटमेंट होगी। अब वी नीड टू बाइफरकेट इट इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सिविल प्रोसीडिंग की जब हम बात करेंगे तो नॉर्मली प्रैक्टिकली हम ये करते हैं कि जो भी हमारी प्लीडिंग्स होती हैं एज इट इज उसको उठाकर एक स्टेटमेंट बनाकर एक स्टेटमेंट फॉर्म में कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है एंड दैट बिकम्स एग्जामिनेशन इन चीफ। एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि आप कोई भी एविडेंस कोई भी एग्जामिनेशन इन चीफ कोर्ट के अंदर पेश कर रहे हैं वो कभी भी आपके ओरिजिनल केस से, इन केस ऑफ क्रिमिनल केस आप एफआईआर को ले सकते हैं और इसके अलावा सिविल केसेस में आप अपनी प्लीडिंग्स को मद्देनजर रख सकते हैं। जो भी आपने लेट से कि अगर वो प्लेंटिव एविडेंस है, अगर वो विटनेस प्लेंटिव साइड से पेश हो रहा है तो डेफिनेटली वो अपने आप को कन्फाइन रखेगा अपनी प्लेंट तक दावे तक। और इसी तरीके से अगर वो डिफेंडेंट विटनेस है या फिर वो डिफेंस साइड से पेश हो रहा है तो वो अपने आप को कन्फाइन रखेगा जो कॉन्टेंट्स हैं रिटन स्टेटमेंट के। तो ये एक चीज हमारे पास क्लियर होगी कि बेसिकली एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है। अब एग्जामिनेशन इन चीफ की इंपॉर्टेंस अपनी जगह मौजूद है, इसको इसीलिए इन चीफ कहा जाता है कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एविडेंस। अब जो भी बंदा फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में या लेटर स्टेज पर कोई भी प्ली लेगा अपने एविडेंस के हवाले से तो दैट विल बी रिजॉर्टेड बैक टू एग्जामिनेशन इन चीफ के, यानी कि ये चीज उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में कही या नहीं कही या ये चीज वो मिस कर गया, ठीक है। और अगर वो मिस कर गया उस टाइम एग्जामिनेशन इन चीफ में वो चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं आती, वो फैक्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं आता तो डेफिनेटली बाद में उसको किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने प्लीड नहीं किया जा सकता। और जो भी किसी भी पार्टी का अटैक या डिफेंस होगा वो डेफिनेटली उसके एविडेंस के अंदर मौजूद होना चाहिए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से कानून शहादत ऑर्डर में डिफरेंट प्रोविजंस मौजूद हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 132 की बात कर लेते हैं, ये मेरे सामने मौजूद है। द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। तो पहली चीज एग्जामिनेशन इन चीफ के हवाले से ये आ गई कि इसको कंडक्ट कौन करेगा। डेफिनेटली जो भी विटनेस जिस पार्टी की तरफ से बुलाया जा रहा है वही पार्टी एग्जामिनेशन इन चीफ को कंडक्ट करेगी। लेट्स से कि इफ आई एम लॉयर टू सम पार्टी, अब जहां पर मैं अपनी पार्टी का कोई भी विटनेस बुलाऊंगा एविडेंस के लिए एग्जामिनेशन के लिए तो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाएगा और वो बेसिकली मैं ही कंडक्ट करवाऊंगा। उसके बाद है द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। जैसा आप सब लोगों को पता है क्रॉस एग्जामिनेशन वो है जहां पर दूसरी पार्टी का काउंसल एक विटनेस के ऊपर
उसको क्वेश्चनिंग करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए. अब क्रॉस एग्जामिनेशन का जो बेसिक पर्पस है वो हमें आर्टिकल 141 कानून शहादत ऑर्डर में मिल जाता है कि बेसिकली किन किन चीजों के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है. उसकी तरफ हम चलते हैं. इसके अंदर बेसिकली आर्टिकल 141 में तीन चीजें, तीन आप कह लें कि पॉइंट्स गिवन है कि जिनके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू टेस्ट हिज वेरासिटी, यानी यहाँ पर विटनेस की बात हो रही है कि जिस विटनेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है उसकी वेरासिटी चेक करनी है हमें. जो बेसिक पर्पस है क्रॉस एग्जामिनेशन का, और इसको मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर कहा गया है कि दैट इज अ मशीनरी टू ऑब्टेन द ट्रूथ, यानी कि ये सच तक पहुंचने के लिए एक मशीनरी है, एक इंजन है. इसको हम इस तरीके से मैकेनिकली यूज कर सकते हैं. और क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस ही यही है कि आप एक विटनेस की, जो उसने एविडेंस पेश की है, जो एग्जामिनेशन इन चीफ उसने पेश की है कोर्ट में, उसकी ट्रूथफुलनेस और उसकी वेरासिटी को आप चेक कर सके कि वाकई इसने सच बोला या नहीं बोला. इसके अलावा इसी वजह से लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. कोई भी ऐसा सवाल जो कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड ना भी हो वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. क्योंकि जो जनरल रूल है वो यही है कि एविडेंस विल बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, जैसा कि आर्टिकल 18 कानून शहादत ऑर्डर हमें बताता है कि एविडेंस दिया जा सकता है फैक्ट इन इशू का और रेलेवेंट फैक्ट का. लेकिन जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है अदर देन फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, क्योंकि जब हमने ट्रूथफुलनेस चेक करनी है, हमने विरासती चेक करनी है, तो उसके अंदर जो भी काउंसल या जो भी पार्टी क्रॉस एग्जामिन कर रहा होगा किसी भी विटनेस का, तो उसके लिए हरगिज ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अपने आप को सिर्फ उन चीजों तक महदूद रखे जो एविडेंस एग्जामिनेशन इन चीफ में उस विटनेस की तरफ से पेश किया गया था. आगे इसको मैं फर्दर स्टडी करूंगा तो ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि उस पार्टी के लिए, उस काउंसिल के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को कुछ चीजों तक कन्फाइन रखे. वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसकी लाइफ के हवाले से, उसकी मैरिज के हवाले से, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो क्या काम करता है, वो उसकी डेली रूटीन क्या है, यानी वो क्वेश्चन जो कि अपेरेंटली हमें बिल्कुल इरेलेवेंट लग रहे होंगे लेकिन ट्रूथफुलनेस तक पहुंचने के लिए वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, उसके बाद सबसेक्शन सब आर्टिकल 2 है आर्टिकल 141 का, टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ. अब इसको फर्दर एक्सप्लेन इस तरीके से किया जा सकता है कि बाज़ुकात कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसी चीज जिसको किसी बंदे ने सिग्नेचर किया होता है, अब डेफिनेटली जब वो सिग्नेचर करेगा तो उसको पढ़ के करेगा. तो अक्सर हम लोग ये सवाल पूछ लेते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, या आप जॉब करते हैं या आप क्या करते हैं, ताकि एक एलिमेंट को सामने लाया जा सके कि भाई अच्छा इस बंदे ने ये एग्रीमेंट पढ़कर सिग्नेचर किया है तो क्या इसको पढ़ना भी आता है या नहीं आता, या इसी नेचर का कोई और क्वेश्चन हो सकता है. और इन चीजों से कि वो क्या है और उसकी पोजीशन क्या है लाइफ में, हम कुछ और चीजों तक पहुंच सकते हैं, हम कुछ और कंक्लूजन्स वहां से ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ और इन्फेरेंस वहां से ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस वजह से ये भी अंडर आर्टिकल 141 यूएसओ इट इज परमिसिबल. उसके बाद थर्ड चीज है टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके क्रेडिट को भी, यानी कि ये ट्रस्टवर्थी है ही नहीं, ये अच्छे कैरेक्टर का है ही नहीं, उसकी क्या रीजन है. उसकी रीजन आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, जहां पर एक तस्कियतु शहूद का प्रिंसिपल मौजूद है. आपको पता है कि ये बेसिकली एक इस्लामिक प्रिंसिपल है और इसको हर जगह पर अप्लाई किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट एविडेंस इन द कोर्ट्स. तो डेफिनेटली अगर एक बंदा झूठ बोलता है या फिर वो क्रेडिट उसका अगर आप शेक करना चाहते हैं, या फिर आगे भी प्रोविजंस मौजूद हैं इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ द विटनेस, या फिर आप उसके करेक्टर के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, तो दैट इज परमिसिबल. यानी कि अगर एक बंदा आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन आप ये साबित कर दें कि भाई एक बंदा वैसे ही झूठ बोलता है, तो दैट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट अगेंस्ट हिम. ठीक है, और जो पार्टी क्रॉस एग्जामिन करेगी ये चीज किसी हद तक उसकी फेवर में चली जाएगी. तो दैट इज परमिसिबल अंडर द लॉ. आई एम अगेन रीडिंग, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर ऑल्दो द आंसर टू सच क्वेश्चन माइट टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट हिम और माइट एक्सपोज और टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोज हिम टू अ पेनल्टी और फॉरफीचर. अब यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हो सकता है उस केस से रिलेटेड तो ना हो,
लेकिन अदर देन दैट उसको किसी भी किस्म का आप कह रहे कि क्रिमिनेट करने के लिए काफी हो, उसको कसूरवार या मुलजिम ठहराने के लिए काफी हो किसी और चीज में, ठीक है, पेनल्टी फोर फीचर, ठीक है, हो सकता है कि आप उससे मनवा लें कि भाई तुमने फला फला टाइम पर ये काम किया था जो कि इटसेल्फ एक ऑफेंस बनता है, वो उस केस से रिलेटेड भी हो सकता है और अदर देन दैट केस भी हो सकता है। इसके साथ हम आर्टिकल 15 है कानून शहादत ऑर्डर का, उसको हम मिलाकर नॉर्मली पढ़ते हैं। ओके, अब इसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं कि ये कौन करवा सकता है, तो ये अदर पार्टी करवाएगी। किस पर्पस के लिए होता है? टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ अ विटनेस, टू मेक श्योर दैट ही हैज स्पोकन द ट्रूथ इन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ, और इसके अलावा जो पर्पस हमने यहाँ पर पढ़े उन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कुछ और आर्टिकल्स हैं, वो अपने आने वाले लेक्चर्स में मैं उनका जिक्र करूंगा, क्योंकि बेसिकली दैट इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो कि हम एग्जामिनेशन वाले टॉपिक पर रखेंगे। नाउ कमिंग टू द री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन नॉर्मली इसके हवाले से इतनी ज्यादा प्रैक्टिकली बात नहीं होती क्योंकि ज्यादातर केसेस में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट ये प्रोविजन मौजूद है यहाँ पर एग्जामिनेशन की, और एग्जामिनेशन का जो पर्पस उन्होंने बताया है वो भी यहाँ पर डिफाइंड है लॉ के में, वो ये है कि कोई भी चीज अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन वो रह जाती है जिसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट की परमिशन से री एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि री एग्जामिनेशन के लिए कंडीशन है जो कि फुलफिल करनी होगी, और वो ये कंडीशन है कि अगर ड्यूरिंग द क्रॉस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कोई चीज अनसॉल्व रह गई, कोई क्वेश्चन कोर्ट के माइंड में या किसी पार्टी के माइंड में रह गया, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए री एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिमिनल केस की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक विटनेस आ गया फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन, ही वुड बी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, और इसको हम अंडर आर्टिकल 59 एक्सपर्ट विटनेस हम ट्रीट करेंगे। लेट्स से कि अगर वो कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज कर लेता है, कोई ऐसी बात वो कर देता है जो कि आम लोगों के नॉलेज में नहीं है, डेफिनेटली लॉयर्स की भी एक स्पेसिफाइड जॉब होती है, पार्टीज की भी स्पेसिफाइड वो जॉब करते होंगे, जो जुडिशियल ऑफिसर है इट इज पॉसिबल कि वो स्पेसिफिक चीज, वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, वो स्पेसिफिक लाइंस वो उसके नॉलेज में भी ना हो। तो आपको पता है क्रिमिनल केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, इसके अलावा मेडिको लीगल रिपोर्ट भी होती है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि एक एक्सपर्ट ही समझ सकता है। तो ऐसी कोई चीज आ गई या फिर कोई ऐसा मैटर आ गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो पहले ऑन रिकॉर्ड नहीं था, या फिर पहले उसके हवाले से कोई एविडेंस नहीं दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में री एग्जामिनेशन का चांस दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि री एग्जामिनेशन भी वही पार्टी कंडक्ट करवाएगी जिसने एग्जामिनेशन इन चीफ कंडक्ट करवाया था। लेट्स से कि मैं एक पार्टी ए का काउंसल हूं, अब पार्टी ए का मैंने एग्जामिनेशन इन चीफ करवाया, ठीक है, उसको मैंने सुपरवाइज किया, उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया दूसरी पार्टी ने, एंड तीसरी चीज उसके अंदर फिर आ जाएगी कि अगर उस क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अदर पार्टी ने की है कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है जिसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी है, तो उसके बाद फिर मैं कोर्ट की परमिशन लेके दोबारा से री एग्जामिनेशन करवाऊंगा अपने विटनेस का जिसका मैंने एग्जामिनेशन इन चीफ करवाया। तो इसको हम दो इसको बाइफरकेट हम ऐसे कर सकते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन किसी भी विटनेस पे वो दूसरी पार्टी का काउंसिल करेगा, जबकि एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन वो उसी पार्टी का काउंसिल करेगा कि जिस पार्टी की तरफ से वो विटनेस पेश हो रहा है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, इसको हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, डिफरेंट प्रोविजंस इसमें मौजूद हैं, और उसको मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला क्लियर करूंगा। अभी मुझे आप इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और हमेशा की तरह मैं यही मैसेज दूंगा कि खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।